अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में एक 2 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। जानकारी के अनुसार पंजाब के एक दंपत्ति जब धामपुर से अमृतसर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी 2 साल की बच्ची जिसका नाम न्यारा बताया जा रहा है उसको 2 महिलाओं ने किडनैप कर लिया और वो उसको अपने साथ ले गई। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया तो दंपत्ति जो है वो दोनों गहरी नींद में थे, सो रहे थे, तभी बताया जा रहा है कि 2 बुरके में 2 महिलाएं थी जिन्होंने उसको उठाया और वो उसको लेकर चली गई। सहारनपुर के ही स्टेशन पर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उन सीसीटीवी कैमरों में उन 2 महिलाओं की तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर हो गई हैं, जिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि वो महिलाएं जो हैं उस बच्ची को लेकर जो है वो अपने साथ लेकर जा रही। तो फिलहाल सहारनपुर GRP और RPF ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर दिए गए हैं बच्ची के भी और साथ ही साथ उन 2 महिलाओं के भी जिन्होंने बच्ची का किडनैप जो है वो किया गया है। अपहरण की धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज को जारी भी करते हुए पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि बच्ची को किडनैप करने वालों का जो है वो सुराग दे और जो सुराग देता है तो उसको उचित इनाम जो है वो दिया जाएगा। देखा जाए तो चलती ट्रेन में 2 साल की बच्ची के अपहरण के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक शादी समारोह में शामिल होकर वो लोग जो है वापस जब पंजाब लौट रहे थे तो बीच रास्ते में ही इस घटना को जो है अंजाम दिया गया और बच्ची को 2 महिलाओं ने अपहरण कर लिया है। और अब सहारनपुर GRP के साथ साथ जो रेलवे प्रोटेक्शन की जो टीमें हैं वो भी इस बच्ची की तलाश में जुट गई हैं। साथ ही साथ बच्ची के स्केच जो हैं वो जारी किए गए हैं ताकि उसको ढूंढा जा सके। तो पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ट्रेन में आपने कई तरह की घटनाएँ देखी होंगी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चलती ट्रेन के अंदर बच्ची के किडनैप का जो मामला सामने आया उससे कहीं ना कहीं रेलवे की सुरक्षा पर भी एक बार फिर से सवाल या निशान खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम? नेहा। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग चढ़े थे धामपुर से चढ़े थे हम 11 बजे शाम को। हम चढ़े तो रिजर्वेशन में चढ़ गए गलती से, सीट मिल गई थी हमें वहाँ पे, हम बैठ गए। बैठने के बाद मैं सो गई अपनी बेटी को लेके और मेरे हस्बैंड फोन चला रहे थे, तो उसके बाद मैं सो गई, मेरी आँख मतलब सो गई बिल्कुल। मेरे हस्बैंड उठे 12:30 बजे के करीब, तो मेरी बेटी थी मेरे पास में। फिर उसके बाद हम लोग फिर से सो गए, ये भी सो गए। फिर उसके बाद हम लोग की आँख खुली अंबाला से पहले जगाधरी शायद पड़ता वहाँ पे। फिर मैंने देखा मेरी बच्ची नहीं थी मेरे सीट पे, मैंने इधर उधर ढूंढा मेरी बच्ची बिल्कुल भी नहीं मिली, पूरी ट्रेन में ढूंढा। फिर 2 पुलिस वाले आए सर, उनसे मैंने बोला, उन्होंने भी हमारे साथ ढूंढवाया सब में। फिर वो उन्होंने लिखा हमारा पता एड्रेस नंबर सब कुछ मैंने उनको भी दिया। फिर वहाँ से इन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया सहारनपुर। फ़ोन करने के बाद उन्होंने हमें बताया चेक करके सीसीटीवी कैमरे में, तो वहाँ पे मेरी बच्ची एक लेडीज़ उठा के लेके जा रही है कंधे पे, बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा, ना मेरी बच्ची का ना उस लेडी का, उसने नकाब बांधा हुआ है। फिर हम जो हमारे साथ में बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर, वो पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने पूछने पे बताया कि हम लोग बैठे सो रहे थे सब लोग, और एक लेडी आई, हम सो रहे थे, एक लेडी आई, लेडी आने के बाद मेरी बेटी के पास उधर बैठ गई मेरे पास में, और उधर उसका सर पे हाथ रखा, फिर उसको उठाया और कंधे पे रखा। मेरी बेटी सोई हुई थी फुल नींद में, उसको उठा के, और सहारनपुर आने वाला था, 2-3 मिनट का फासला था। फिर वो उतर गई, 2-3 मिनट के बाद ही सहारनपुर उतर गई, और भैया ने बताया हम लोगों को जो हमारे साथ में बैठे हुए थे। मैंने उसके कपड़े से पहचान लिया उसको, क्योंकि उसके मैंने कपड़े पहनाए हुए थे, ग्रीन कलर का टॉप था और नेवी ब्लू कलर की पैंट थी, नीचे से मैंने फोल्ड की हुई थी पैंट उसकी। बच्चे का नाम क्या है और कितनी होगी, कौन सी ट्रेन थी? नायरा नाम है बच्ची का, 2 साल की मेरी बेटी है, और ट्रेन हावड़ा अमृतसर थी।